ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा के केंद्र हैं उनकी आध्यात्मिक वैल्यू क्या है, उनकी आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस क्या है। वैसे तो आपने ये अनुभव किया होगा कि ऊर्जा का प्रयोग करना है तो हाथों को प्रयोग कर लें, उंगलियों को प्रयोग कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैरों का प्रयोग कर लें। अगर कुछ बात ज़ोर से बोलना चाहते हैं तो शायद जिसका गला अच्छा होगा वो ज़्यादा चिल्ला पाएगा, या शायद कुश्ती करने वाले, कबड्डी करने खेलने वाले लोगों को पूरा शरीर ही स्वस्थ चाहिए, पूरा शरीर ही बलशाली चाहिए, तो ऐसे समझ लेंगे कि पूरे शरीर में ही ऊर्जा है। लेकिन योग और आध्यात्मिक दृष्टि से हमने ऊर्जा के 7 बिंदु शरीर में खोज लिए हैं, हमारे पूर्वजों ने, सनातन पूर्वजों ने खोज लिए हैं। जैसे पृथ्वी पे अनेक ऐसी स्थान हैं जो कि अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे भारत में अनेक तीर्थ हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, गंगा नदी तो बहुत एक बड़े डिस्टेंस पे बह रही है लेकिन हर की पौड़ी पे स्नान करने की अलग ही महत्ता है। तो इस तरह से जब हमने अपने शरीर के भीतर उन ऊर्जा के तत्वों को खोज लिया तो हमने उन्हें चक्र कहना शुरू किया, या मैं यूँ कहूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें चक्रों के नाम से संबोधित किया। और यह 6 चक्र हमारे शरीर में उपस्थित हैं। षटचक्र निरूपणम जो कि ग्रंथ है उसमें विस्तार से इसका वर्णन है। कुछ दर्शनों ने, कुछ ग्रंथों ने 7 चक्र भी माने हैं लेकिन कुछ ने 6 भी माने हैं। जिन्होंने 6 माने हैं इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने 7वें को नकार दिया, उसका यही मतलब है कि जब 6 चक्र जागृत हो गए, 6 चक्रों की ऊर्जा जागृत हो गई तो 7वां स्वतः ही जागृत हो गया। आपको इतिहास का एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। श्री राम, भगवान श्री राम, जब उनका पालन पोषण हुआ, जब उनकी शिक्षा दीक्षा हुई तो उनकी शिक्षा चक्रों के माध्यम से हुई। एक एक करके उनके गुरुओं के आदेश के अनुसार उन्होंने चक्रों पर काम किया और चक्र जागृत हुआ। तभी तो मानव क्षमता के अंदर जितने भी गुण हैं वो सभी गुण भगवान श्री राम में थे। किस कारण से ऐसा संभव हो पाया? क्योंकि चक्रों की जागृति थे। जैसे एक चक्र का गुण है बहादुरी, बहादुर होना, एक चक्र का गुण है प्रेम होना, करुणा होना, एक चक्र का गुण है वाणी में प्रभाव होना। तो ऐसे ऐसे मैं इन अलग अलग चक्रों के बारे में फिर अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बता रहा हूं कि चक्रों की इम्पोर्टेंस क्या है। और जब एक स्वर विज्ञानी स्वर की साधना करता है तो किस प्रकार से चक्र जागरण स्वर विज्ञान से संभव है। सिर्फ चक्र जागरण ही नहीं, दो चीज़ें यहाँ इकट्ठी हैं, दो बातें आपको इकट्ठी समझनी पड़ेंगी कि कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी शक्ति का जागना और चक्रों का जागना दोनों एक साथ घटने वाली घटनाएं हैं। तो जितने भी मानव क्षमता के अंदर गुण आते हैं, जो भी गुण एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है वो सभी गुण भगवान श्री राम में थे। आप जीवन में उनके देखिए, उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी सभी गुणों का समावेश था उनमें। धैर्य तो इतना परम धैर्य कि बस पर्वत से भी महान वो धैर्य था। कल राज्याभिषेक होने वाला है और आज सूचना मिली कि वनवास के लिए जाना है, कितना धैर्य चाहिए होगा आप कल्पना करें। और शक्ति इतनी के बस पूछो मत, इतने बलशाली, इतने बलवान कि कोई उसकी तुलना नहीं, अतुलनीय है। वो है हमारे चक्रों की शक्ति, वो है हमारे चक्रों की ऊर्जा, वो है हमारे शक्ति बिंदु जो हमारे शरीर में स्थित हैं। मैंने जैसे अभी बताया कि जिनको हमारे पूर्वजों ने, जिनको हमारे ऋषि मुनियों ने खोज लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं अनेक योगियों के साथ रहा, मैं अनेक विद्वानों के साथ रहा, लगभग लगभग
किसी ने भी चक्र की शक्ति पर काम का वर्णन नहीं किया। किताबें जरूर लिखी हैं, प्राचीन ग्रंथ जरूर हैं, लेकिन किसी से भी चर्चा करने पर कोई भी प्राणायाम और ध्यान से आगे नहीं बढ़ पाया। तो पूछा तो हाँ, सुबह एक घंटा प्राणायाम की साधना करते हैं, किससे पूछा तो हाँ ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन जैसे ही एक कदम और गहरा जाने के लिए जब बातचीत शुरू करी तो टाइम टाइम फिस हो गई। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को सुनकर शायद एक शायद दो साधक ऐसे ज़रूर सामने आएंगे जो इस साधना को करने के इच्छुक होंगे। सातों चक्रों का इकट्ठा जागृत हो जाना ऐसे है जैसे कि संगीत के सातों सुर छिड़ गए और तरंगे उठ गई जीवन में और मन में और आत्मा में। वो संगीत ऐसे बजेगा कि एक एक सुर करके नहीं, एक एक बूंद करके नहीं टपक रहा पानी, या पूरा झरना बह उठा पूरे बल के साथ, पूरे फ्लो के साथ वो ऊर्जा निकल उठी बाहर। क्योंकि मैंने कहा कि हर एक गुण का समावेश है वहाँ, तो ऐसा नहीं कि अगर शक्ति आ गई तो शक्ति वो अनकंट्रोल हो गई, क्योंकि शक्ति के साथ साथ वहाँ नियंत्रण भी है। इतने प्रभावशाली, इतने जो हैं जादूगरी हैं चक्रों की साधना। और अनेक अनेक मैंने रोगों को समाप्त करने के लिए भी चक्रों की साधना का प्रयोग लोगों को बताया है, पूरा नहीं, एक एक, उनको पता भी नहीं ये क्या बता रहा हूँ मैं, उसका राज क्या है, लेकिन बताया उनको तो उनको लाभ हुआ उसका। जैसे डॉक्टर दवाई बताता है एक, तो आपको नहीं बताता उसकी केमिकल फॉर्मेशन क्या है, लेकिन आप दवाई खाते हैं आपको लाभ उसका तब भी होता है। ऐसे ही अनेक रोगों पर भी चक्रों की साधना का क्या लाभ है, ये भी मैंने बहुत प्रयोग करवाए लोगों पर, उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ, शारीरिक भी और मानसिक भी। और इसके साथ साथ स्वर विज्ञान, जब हम स्वर विज्ञान की साधना करते हैं तो कैसे सूर्य और चंद्र जैसे पृथ्वी में कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्र महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में अदृश्य सूर्य और चंद्रमा विद्यमान है, उनकी साधना को करके किस प्रकार से हम उन सभी अनगिनत गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, उन शक्तियों को जगा सकते हैं, अष्ट सिद्धियां और अष्ट रिद्धियों को जगा सकते हैं, उनकी शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। वह है चक्रों की शक्ति, वह है हमारी साधना का रिजल्ट। लेकिन वो टारगेट नहीं है, वो परम उद्देश्य नहीं है, वो तो मार्ग में आने वाले। जैसे हम चल रहे हैं तो देखते हैं आजू बाजू, दृश्य अच्छा होता है, सुंदर दिखाई दे रहा है, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। उस पर टिक नहीं जाना, उस पर रुक नहीं जाना, उसको पार करके आगे बढ़ना है। तो जैसे जैसे हम नियंत्रण के साथ उस शक्ति को, उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, वैसे वैसे उन चक्रों का जागरण और कुंडलिनी का जागरण होता है। शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, नीचे बहती हुई ऊर्जा, नीचे बहते हुए विचार ऊपर उठने लगते हैं। जैसे हम आम भाषा में भी, आम बालचाल में, बोलचाल में भी कह देते हैं ना किसी को, हाँ इसका लेवल बहुत हाई है, हाँ तो अरे थोड़ा लेवल ऊपर करो, थोड़ा ऊपर की सोचो। क्यों हम ऊपर के लिए इतने ऑब्सेसिव हैं? इसका मतलब नीचे ऊर्जा जो बह रही है उसको हमने ऊपर उठाना है। जो सबसे पहला मूलाधार चक्र है वहाँ से लेकर हमने सहस्रधार चक्र तक आना है। तो इसकी साधना के उपाय अलग हैं, और आशा करता हूँ आप आज चक्रों का महत्व समझे होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो ज़रूर मुझे बताएं।